राष्ट्रीय बालिका दिवस पर टीकमगढ़ का नाम रोशन करने वाली बालिकाओं और उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं का सम्मान किया गया। महिला अधिकारिता एवं महिला बाल विकास विभाग की ओर से टीकमगढ़ शहर के उत्सव भवन में सोमवार की दोपहर राष्ट्रीय बालिका दिवस पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में टीकमगढ़ शहर की बालिकाओं द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में नाम रोशन किया और बालिका सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों और संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सरकार में न्यायिक विभाग में मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक उपस्थित रहे, जिन्होंने टीकमगढ़ जिले का नाम रोशन करने वाली बालिकाओं का आभार व्यक्त किया एवं उनकी हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, अब हमारे बीच बेटा और बेटियों के बीच की दीवार खत्म हो चुकी है, इसलिए लड़कियां भी देश में नाम रोशन कर रही है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या समझेंगे? आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुभारंभ किया और उस समय तक स्थितियाँ ये थी कि हमारे बालक और बालिकाओं की जेंडर अनुपात में काफ़ी असमानता थी, लेकिन इस अभियान के प्रारंभ होने के बाद सामाजिक सोच में बहुत परिवर्तन आया। पहले हमारे देश में ये होता था कि जब घर में बेटा होता तो कुआं पूजा जाता था, बाजे बजाए जाते थे और बेटी पैदा होती थी तो चुपचाप रह जाते थे लोग। लेकिन अब देश बहुत व्यापक मात्रा में बदलाव आ रहा है और आज जेंडर अनुपात में भी काफ़ी असमानता जो थी वो असमानता समाप्त होकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें शासन के प्रयासों के साथ, राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रयासों के साथ ही साथ समाज ने भी इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं। आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर बहुत सारी बेटियों को, बहुत सारी बहनों को, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोविड के दौरान अपने प्राणों की परवाह न करते हुए और देश और समाज के लिए जब उनकी सेवाओं की आवश्यकता थी तो उन्होंने निर्भीकता के साथ में आगे आकर अपनी सेवाएं दें, ऐसी सभी बेटियों के लिए, बहनों के लिए यहाँ पर सम्मानित किया गया। बहुत सारी बेटियों को जब यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा था, पुरस्कार दिया जा रहा था, मैं देख रहा था कि उनकी माएँ जो है ना वो मोबाइल से उनकी फ़ोटो ले रही थी और उनकी माँ की आंखों में एक विशेष चमक देखने में आ रही थी कि हमारी बेटी ने अच्छा काम किया, इसके कारण से उसको प्रशासन के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा सम्मानित किया गया। इससे प्रेरणा बाकी भी हमारी बेटियों को और उनकी माँ को मिलती है कि हम अपनी बेटियों को उनके अंदर जिस क्षेत्र में काम करने के लिए लायक है उस क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने दिया जाए, ताकि एक और जहां उनकी प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिले और हमारे हर क्षेत्र में, समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बेटियां अपनी प्रतिभा से देश और समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। बालिका दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में आज केंद्रीय मंत्री माननीय श्री वीरेंद्र खटीक जी की मुख्य आतिथ्य में प्रोग्राम संपन्न हुआ। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो समाज में बालिकाओं के प्रति कुरीतियाँ हैं उनसे समाज और सरकार की विभिन्न योजनाओं को जोड़कर किस तरीके से उसको शीघ्र ही समाप्त किया जाए, जिससे कि जिले की एवं देश की बालिकाएं देश के विकास में और निर्माण में अपना उत्कृष्ट योगदान दे सकें, इसी पे चर्चा हुई। इस कार्यक्रम के तहत जो हमारे ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में बालिकाओं ने उत्कृष्ट कार्य किया है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, या जो कोविड में कंटेनमेंट जोन बनाने में, उपचार करने में संक्रमितों की जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है उन्हें भी पुरस्कृत किया गया, जिससे कि अन्य सभी लोग भी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए प्रेरित हो सके। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।